नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केलकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए। इसमें आज हम असफलता और असफलता की वजह से निर्माण होने वाला डर, इसके बारे में बात करेंगे। मैं जब ओपीडी में जब काउंसिलिंग के लिए पेशेंट्स आते हैं या कंसल्टेशन के लिए पेशेंट्स आते हैं और उनसे बात करने के बाद मुझे काफी बार ऐसा लगता है कि जो वो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं उसका कारण ज्यादातर उनके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस है, बुरे एक्सपीरियंसेस है, या फिर कुछ असफलता की वजह से, असफलता के अनुभव की वजह से उन्हें तकलीफें हो रही हैं। असफलता ये किसी को भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, उसकी तीव्रता कम ज्यादा हर एक की जिंदगी में अलग अलग हो सकती है। अब उस असफलता की वजह से रुकना है या असफलता को एक सफलता की सीढ़ी मानकर आगे बढ़ना है, ये हमारे हाथ में होता है। असफलता किसी भी चीज में मिल सकती है, जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट है तो एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को मिल सकती है, मैनेजर्स है प्रोजेक्ट मैनेजर्स तो प्रोजेक्ट्स में मिल सकती है, एम्प्लॉयज को प्रेजेंटेशंस में मिल सकती है, या जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको इंटरव्यू में फेलियर्स मिल सकते हैं, या फिर बिजनेसमैन है उनको बिजनेस में मिल सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के फेलियर्स हम हर एक जन फेस करते रहते हैं। मैं जब हमारे सेमिनार्स होते हैं या वर्कशॉप्स होते हैं उसमें मैं काफी बार लोगों को पूछती हूँ कि आपके हिसाब से फेलियर के क्या क्या रीजंस है या आप फेलियर किस चीज की वजह से आपने फेस किया है। तो मुझे काफी उसके आंसर्स मिलते हैं, जैसे कि मेरे पास सपोर्ट नहीं था, मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, मेरे आजू बाजू के लोग अच्छे नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, या फिर मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे नहीं है, या फिर मेरे पास पावर नहीं है इसलिए मैं अपने हिसाब से चीजें नहीं कर सकता, मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, या फिर मैं ज्यादा सर्कमस्टांसेस मेरे आजू बाजू के जो है वो अच्छे नहीं है, ऐसे काफी रीजंस मुझे मिलते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली खुद को असफलता के लिए ब्लेम करते हैं, जैसे कि मेरी वजह से मुझे असफलता नहीं मिली, मेरे प्रयत्न कम पड़ गए, मैंने जैसा करना चाहिए था वैसे किया नहीं है, या फिर मेरी सिंसियरिटी कहीं तो कम पड़ी है। तो ये बोलने वाले काफी कम लोग हैं। और ये जो फेलियर्स अगर हमने एक बार फेस किया तो धीरे धीरे वो डर निर्माण होने लगता है, और अगर हम कंटिन्यूअस फेलियर्स को फेस कर रहे हैं तो उसका डर मन में बैठ जाता है, और वो डर से भी आगे उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो रिजल्ट आएगा फेलियर का, और जो फेलियर की वजह से लोगों का रिएक्शन आएगा, उससे हम ज्यादा डरते हैं। यानी हमको ये हम सोचने लगते हैं कि लोग हम पे हंसेंगे, लोग हमें कम समझेंगे, या लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा, और फिर लोग हमें कम समझने लगेंगे, या फिर हमें एकदम फालतू समझेंगे, हमारे इमेज लोगों में खराब हो जाएगी, या हमारे फैमिली की इमेज खराब हो जाएगी, और ये सोच सोच कर ही हम आगे ही नहीं बढ़ते हैं, और वहीं के वहीं हमारी जिंदगी रुक जाती है, और वो रुकने की वजह से फिर हमें और स्ट्रेस आता है, और हमें काफी बार ऐसा होता है कि मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, साइकेट्री प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंग्जायटी, ये सब शुरू हो जाता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर फेलियर अवॉइड करने के लिए वो अवॉइडेंस शुरू कर देते हैं, यानी वो एक्शन को ही अवॉइड करते हैं। और कैसे अवॉइड करते हैं, तो मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं, जब मेरी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी या फिर जो मेरी कोशिश है वो जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तब तक मैं परफेक्शन के लिए काम करता रहूंगा, और परफेक्शन के नाम पर लोग उस चीज से बाहर ही नहीं निकलते हैं और वो कंटिन्यूस उसमें ही फंसे रहते हैं, और वो जो रिजल्ट चाहिए उसमें से वो निकलता ही नहीं है। तो अभी ऐसा अगर हो रहा है, अगर हम फेलियर्स फेस कर रहे हैं,
अगर रिपीटेटिव फेलियर्स फेस कर रहे हैं और इससे हमारे मन में उसका डर बैठ रहा है, तो इसको हम अवॉइड करने के लिए, यानी फेलियर्स अवॉइड करने के लिए या डर अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट यानी एक्सेप्टेंस, हमने फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए, हम फेल हुए हैं ये एक्सेप्ट करना चाहिए। ये फेलियर मुझे क्यों आया, मुझे ही क्यों आया, या ऐसे कैसे आ गया, ऐसा आना नहीं चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ होना नहीं चाहिए था, इस चीज में हम काफी फंस जाते हैं। तो जस्ट एक्सेप्ट कि हाँ मैं फेल हुई हूं या हुआ हूं, और ठीक है अब इसमें से मुझे बाहर निकलना है। सेकेंड यानी ब्लेम गेम, हमें ब्लेम गेम नहीं खेलना है। अगर हम फेल हुए हैं तो उसके जिम्मेदार 100%, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% हमारी है, ना कि लोगों की है, ना कि सिचुएशन की है, ना कि पावर या पैसे की है, हम ही कहीं तो जिम्मेदार है। और हमें अवॉइड नहीं करना है। हम क्या करते हैं कि अगर हम फेल हुए तो उस चीज को हम अवॉइड करते हैं, या फिर उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना अवॉइड करते हैं। तो ये ना करते हुए उल्टा हमारे फैमिली के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, जो हमारे करीबी दोस्त हैं, जो हमें समझ सकते हैं, ऐसे लोगों से हमने डिस्कशन करना चाहिए। क्या होता है कि फेलियर आने के बाद काफी टाइम ऐसा होता है कि हम उदास हो जाते हैं, हमें रोने की इच्छा होती है, हमें किसी से बात करने की जरूरत होती है, लेकिन हम लोगों के सामने कमजोर दिखेंगे, या लोग हमें कमजोर समझेंगे, या फिर हमें रोना आएगा इसलिए हम बात ही नहीं करते हैं। लेकिन इट्स ओके टू क्राई, यानी अगर हमें दुख हो रहा है, अगर हमें रोना आ रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उल्टा हमारा मन हल्का होगा, हमें अच्छा लगेगा, यू विल फील फ्री। तो हमने उल्टा बात करना चाहिए, लोगों से डिस्कस करना चाहिए। हमारे जो फील्ड के जिसमें हम काम करते हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं तो हमारे सीनियर्स हैं, बिजनेस है तो बिजनेस में फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, या फिर हमारे जो भी सीनियर्स है रिलेटेड, उनसे हमें जो फेलियर आया है उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। हमारे जो फेलियर्स है उसमें हमने क्या क्या मिस्टेक्स की है, क्या क्या गलतियां की है, वो हमने एनालाइज करनी चाहिए, उसके बारे में स्टडी करनी चाहिए, और फिर वो जो गलतियां हुई है उसे हमें सुधारना भी चाहिए। और इसके लिए अगर हमें एक जरूरत पड़ रही है हमारे फील्ड के लोगों की, या फिर उनसे डिस्कस करने की, तो हमने जरूर उनसे इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, ताकि हम उन चीजों को अवॉइड कर सके जो हमें गलत रास्ते पे लेके जा रही है, या फिर जो हमें तकलीफ दे रही है, हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो ये चीजें हमने जरूर करनी चाहिए। उसके साथ प्रैक्टिस, अगर हम समझते हैं, हमको पता है कि हमारा प्रेजेंटेशन है 3 दिन बाद, तो हमने आज से ही वो प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी चाहिए, ताकि हम हमारी प्रैक्टिस हो, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, ना कि अगले दिन 2 घंटे में अरे हो जाएगा इस मोड में जाके प्रेजेंटेशन बना के फिर गड़बड़ में प्रेजेंटेशन अगर दिया तो वो फेल होना ही है, और फिर फेल होने के बाद हमें उसकी मायूसी आ जाती है कि हम फेल हो गए हैं और लोग हम पे हंस रहे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिस भी टाइम बाउंड होनी चाहिए। यानी हम कर ही रहे हैं, प्रेजेंटेशन का टाइम निकल गया, हमने प्रेजेंटेशन ही नहीं दिया, या हम 10 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए परफेक्शन के नाम पे। तो अवॉइड नहीं करना चाहिए। और इसके साथ अगर हम समझते हैं कि हमें ये टाइम में करना है, तो उसके हिसाब से हमें क्या क्या स्टेप्स लेनी है, ताकि हम वो चीज वो पर्टिकुलर टाइम में खत्म कर सके, और इसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है, ताकि टाइम टेबल बनाना जरूरी है, ताकि हम वो चीज प्रॉपर डायरेक्शन में कर सके और उससे हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो बल्कि कम हो जाए। तो ये था फेलियर और फियर ऑफ फेलियर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके बारे में और अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे केड़कर तुअंकर साइकेट्रिक नर्सिंग होम के मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9503309619। नमस्ते।